गाइस मुहावरे, अब अपन मुहावरे स्टार्ट करते हैं आज से, है ना। तो गाइस सबसे पहला मुहावरा अपन देखेंगे कौन सा। सबसे पहला ये है कि आप बताएं काठ होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो काठ होना मुहावरे का अर्थ होता है स्तब्ध होना। क्या होना? स्तब्ध होना, स्तब्ध होना। काठ होने का मतलब क्या होता है? स्तब्ध होना। मुहावरे का अर्थ है स्तब्ध होना। अब सेकंड नंबर का अपन देखेंगे, है ना। तो आप बताइए, सेकंड नंबर का है अपने पास पो फटना। पो फटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो पो फटना मुहावरे का अर्थ होता है प्रातः काल। क्या होता है? प्रातः काल होना, मतलब सुबह हो जाना, है ना। अब आप बताइए कि पेट में दाढ़ी होने का मुहावरे का अर्थ क्या होता है? किसका? पेट में दाढ़ी होना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो पेट में दाढ़ी होना मुहावरे का अर्थ है भेद न लगने देना। क्या? भेद न लगने देना, ठीक है ना गाइस। अब अपन फोर्थ नंबर का देखते हैं मुहावरा। क्या फोर्थ नंबर का मुहावरा है? फोर्थ नंबर का आपका मुहावरा क्या है? दाहिना हाथ। अब बताओ दाहिना हाथ मुहावरा है, इसका अर्थ क्या हुआ? दाहिना हाथ, तो इसका अर्थ होता है अत्यंत विश्वसनीय सहायक। क्या होता है? अत्यंत अत्यंत विश्वसनीय सहायक। क्या होता है? अत्यंत विश्वसनीय, अत्यंत विश्वसनीय सहायक। ओके ठीक है गाइस, ठीक है दोस्तों। अब अपन देखेंगे फिफ्थ नंबर का अपना मुहावरा क्या है। तो फिफ्थ नंबर का मुहावरा है चुटकी लेना। क्या? चुटकी लेना। मुहावरे का अर्थ बताइए क्या होता है? तो चुटकी लेना मुहावरे का अर्थ होता है हंसी उड़ाना। क्या होता है? हंसी उड़ाना। ओके गाइस, चुटकी लेना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? हंसी उड़ाना। अब अपन सिक्स्थ नंबर का मुहावरा देखते हैं। तो सिक्स्थ नंबर का मुहावरा क्या है अपने पास? सिक्स्थ नंबर का मुहावरा है जी चुराना। क्या? जी चुराना अर्थ बताइए। तो जी चुराने मुहावरे का अर्थ है के किसी काम से भागना, है ना। होता है ना, अपन कई बार अपन काम करने का मन नहीं होता और अपन जी चुराते हैं, तो उसका मतलब होता है जी चुराने मुहावरे का अर्थ है किसी काम से भागना। क्या होता है? किसी काम से भागना। ओके ठीक है फ्रेंड्स। अब अपन देखते हैं सातवें नंबर का। अब अपने पास सातवें नंबर का क्या है? जान छूटना मुहावरे का अर्थ बताइए। जान छूटना, तो जान छूटना मुहावरे का अर्थ है संकट से बचना। क्या? संकट से बचना। जान बची तो लाख उपाय, है ना, एक मुहावरा ऐसे होता है। तो क्या मतलब? जान छुटाना मतलब संकट से बचना। अब आपके पास एट नंबर का मुहावरा क्या है? आप बताइए घास खाना। क्या? घास खाना मुहावरे का अर्थ क्या हुआ? आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो घास खाना मुहावरे का अर्थ होता है घोर मूर्खता मूर्खता का परिचय देना। क्या होता है? घोर मूर्खता का परिचय देना घास खाने का मतलब होता है। अब एक नाइन्थ नंबर का मुहावरा यह है कान भरना। ये तो आप सब जानते ही होंगे, है ना। कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो कान भरना मुहावरे का अर्थ होता है गुपचुप निंदा करना, है ना। चुपचाप में अपन किसी की चुगली करते हैं ना, तो वैसे ही गुपचुप क्या होता है? गुपचुप गुपचुप निंदा करना, निंदा करना, है ना। ये होता है आपका किसका? कान भरने का मुहावरे का अर्थ होता है। टेंथ नंबर का अपने पास मुहावरा क्या है?
तो 10th नंबर का मुहावरा ये है, पो बाहर होना। ये तो आपने सुना ही होगा, पो बाहर हो गई भाई साहब, है ना। तो पो बाहर होना, देखो पो बाहर होने का मतलब होता है लाभ ही लाभ होना, है ना। अपन को हर टाइम मतलब कुछ ना कुछ फायदा ही फायदा हो रहा है। मान लो आप पेपर में सिलेक्ट हो गए, आपके पो बाहर हो गई, है ना। आप पेपर में सिलेक्ट हो गए तो आपने तैयारी करी, उसका फल मिल गया।